1 दिसंबर को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को संपन्न कराने के लिए एडीएम सिटी की अध्यक्षता में मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय एवं पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया, जिसमें पोलिंग पार्टी गठन की सूचना पृथक रूप से दी गई तथा समस्त पोलिंग पार्टियों जो मतदान स्थल के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय से 30 नवंबर को प्रातः 8 बजे रवाना होगी उसके संबंध में जानकारी दी गई और आवंटित स्थल की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र के लिए कार्ड संलग्न कराने सहित पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को निर्धारित कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत कराए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये बैठक खंड शिक्षा की फैजाबाद और गोरखपुर जोन की इलेक्शन की संपन्न हुई है, जिसमें पीठासीन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे जो मत पेटिका है सब लोगों को दिखवा के, जो आपके एजेंट्स हैं पोलिंग एजेंट्स, उनको दिखा के सुरक्षित बंद करनी है सबके सामने, ताकि कोई शंका ना रहे कि इसमें पहले से मत पड़े हैं। इसके बाद निर्वाचन का कार्य पूरा होगा, सभी मतदाता वोट डालेंगे और अंत में निर्धारित समय 5 बजे के बाद अगर कोई लाइन में कोई मतदाता नहीं है तो पेटी सील करने की कार्रवाई कैसे करनी है, उसको कैसे गनी बैग में सील करना है और कौन कौन से प्रपत्र खुले और कौन कौन से प्रपत्र बंद अवस्था में जमा करने हैं, ये सब इनको अवगत कराया गया है और इनको स्मूथली इलेक्शन करा सकें इसके बारे में इनको जानकारियां, विशेष बिंदुओं पर जानकारियां दी गई हैं।